वाकई मतलब बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिनको मैं 20 साल से ज्यादा की दोस्ती थी हमारी, बहुत पहले से जानता हूँ मैं, लगभग शायद 25 साल से मैं उनको जानता था, और मेरा संघर्ष शुरू भी नहीं हुआ था और वो उनका संघर्ष चल रहा था, बहुत वो काम भी करने लगे थे तो मैं जानता था उनको, और मैंने उनकी जर्नी देखी है, इन्होंने चीज और उनको जो कुछ भी मिला है वो उसके काबिल थे और भी डिजर्व करते थे बहुत कुछ, और ये जर्नी वो बीच में ही छोड़कर चले गए, इस बात का मुझे बड़ा दुख हुआ है। और मुझे क्या, मेरे साथ साथ सभी को दुख हुआ है, फिर चाहे वो यहाँ का हो कहीं का भी हो, मेरा मतलब है बॉलीवुड से हो या कहीं से भी कोई भी क्षेत्र में हो, क्योंकि उनकी जो हास्यास्पद जो स्टैंड अप होते थे वो सबसे कनेक्ट करते थे, हर हर परिवार से, फिर चाहे वो रिच हो पुअर हो कैसा भी हो, रोड में रहने वाला हो, हर एक के दिलों को छू जाते थे डायरेक्ट, उनका उनका जो ब्लैक ह्यूमर था वो दिल से कनेक्ट करता था, तो बहुत ही दुख हुआ है, और ईश्वर वो जहां भी रहे स्वस्थ रहे, और मुझे पूरा यकीन है कि जैसे उन्होंने यहाँ हमारा मनोरंजन किया धरती पर, जहां भी वो होंगे वहां भी वो यकीनन सबका मनोरंजन कर रहे होंगे, और उनकी उनसे जो भी सीखा है मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे, टाइमिंग क्या होती कॉमेडी में, कैसे हम कंटेम्प्रेरी सिचुएशन को कैसे हम कॉमेडी में बदल सकते हैं, और काफी कुछ हमने सीखा है, और वो खास हमेशा करके मेरे साथ छोटी छोटी बातों को बड़ा कर देते मिले, हैं, हंसी लाते थे हमारे मुंह में, और दुख दुख के बातों को भी वो हंसी के रंग में ला देते थे। उतना ही छुका होता है, ये राजू श्रीवास्तव पर एकदम सटीक बैठती थी वाकई, वो इतना कुछ उनके अंदर भरा हुआ था लेकिन फिर भी वो कितने विनम्र थे और एकदम जमीन से जुड़े हुए थे, और जमीनी हकीकत से वाकिफ होकर वो बैठते थे, जमीनी चीजों को बहुत अच्छे से पेश करते थे, और मेरे हिसाब से न कि सिर्फ वो कॉमेडियन थे, एक अच्छे कॉमेडियन थे, बल्कि मैं कहूंगा एक बहुत अच्छे फिलोसोफर थे, एक बहुत अच्छे सटायर की प्रस्तुति करने वाले थे, और नमन करता हूं मैं ऐसी शख्सियत को, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। जी राजकुमार जी, अगर उनका कैरियर देखे, जीवन देखे, तो संघर्षमय रहा है, तो उसमें जो भी उनके जीवन में दुख था उसको भी वो हंसी का रंग दे देते थे और उसको लेकर कॉमेडी करते थे, जो जी कि जो बिल्कुल, कॉमन पीपल है हाँ उसको ज़्यादा कनेक्ट करता था। जी, यही मैंने इसलिए मैंने पहले कहा कि यही उनकी एक विशेषता थी कि सिर्फ उसमें मध्यम वर्गीय परिवार या निम्न वर्गीय परिवार या छोटे सारे लोग कनेक्ट करते थे, बच्चे बूढ़े जवान कोई भी, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट रेट रेसिज्म, एवरी बड़ी एवरी बड़ी वाज सो वेरी एनक्रोस्ड विथ हिज मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस। जी, हेलो और अगर आप देखेंगे, अगर सिनेमा में नहीं, स्टैंड अप कॉमेडी के जरिए वो भारत में एक अपना एक क्या कहते हैं, स्वतंत्र परिचय सृष्टि कर पाए थे, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत बड़े स्टार बने लेकिन नीचे से आए, और कॉमेडी के बादशाह अभी बन चुके हैं, लेकिन कोई बड़ा नाम नहीं था उनको हेल्प करने के लिए, अपने बलबूते पर आज कॉमेडी किंग कहलाते हैं राजू श्रीवास्तव। जी हाँ, आपने बहुत सही और बहुत अच्छी बात कही, आपने लोगों को अपने माध्यम से दर्शकों को बताया, सच में ही वो ट्रूली सेल्फ मेड किंग ऑफ कॉमेडियन, और उन्होंने बता दिया कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको किसी बड़े की हाथ की जरूरत नहीं है, आप अपने आप अपना झंडा झंडा गाड़ सकते हो, जो उन्होंने अपना झंडा गाड़ा जी और थोड़ा अपनी अलग रोकना चाहूँगा, आप भी उनके साथ मतलब स्टेज से शेयर किए हैं और एक्टिंग भी किया हुआ है, तो मैंने उस उसके स्टेज भी शेयर किया है, मैंने उनके साथ, हमने 1 साल एक शो किया था मस्ती चैनल में आता था, तो वो 1 साल हम लोग वहाँ करते थे, उनकी है मैंने काम, तो उसके अलावा मैंने फिल्म की है, सीरियल किया है, और मैंने काफी बार उनसे काम किया, उसके अलावा हम लोग मिलते ही रहते थे जब तब, जहाँ तहाँ पार्टी वार्टी में,
मैं उनके घर जाता था, वो मेरे घर आते थे, तो काफी अच्छे संबंध थे हमारे। कभी बदलाव देखा है आपने, पहले जब उनका बड़ा नाम नहीं था, अब अभी सुपरस्टार बन गए, कभी बदलाव देखा था? नहीं नहीं, जैसे वो पहले थे वैसे ही वो, लास्ट जब मैंने देखा तब से, उनमें 1% भी चेंजेस नहीं है, कोई बदलाव कोई परिवर्तन नहीं, वैसे के वैसे ही थे वो, उल्टा और अच्छे हो गए थे और जमीन से जुड़ गए थे वो, जितने बड़े होते जा रहे थे उतने ही वो और एकदम नजदीक होते जा रहे थे सब, और यही वजह है कि वो सबके लाडले रहे, और यही वजह है कि आज हमारे और आपके साथ साथ पूरा देश पूरा विश्व उनका शोक मना रहा है उनके न रहने पर। अभी जब वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका कॉमेडी तो हमारे साथ हमेशा रहेगा। कुछ खास बात आप शेयर करना चाहेंगे हम लोगों के साथ, कुछ ऐसी बात जो अभी आपको याद आ रहा हो? खास, हाँ खास एक बात, मेरे जब मैंने नया नया फ्लैट लिया था तो जब मेरा मैंने पूजा रखा था घर का, तो वो बिजी थे सभी ऑटो थे, कभी आना लेकिन जरूर आप आए नहीं, तो उनको याद था और उन्होंने मुझे फोन किया कि भाई मैं बाहर से आ रहा हूँ अभी लखनऊ से, एयरपोर्ट उतरा हूँ और तुम्हारा घर राजकुमार एयरपोर्ट से नजदीक है, तो मुझे जल्दी से एड्रेस दो और मैं आ रहा हूँ। तो ये जेस्चर मुझे उनका इतना अच्छा लगा कि वो याद रखे थे ये बात कि हाँ मुझे जाना है मेरे घर जी। तो ये उनका बड़प्पन दिखाता कि इतने बड़े इतने बिजी होने के बावजूद वो हर एक छोटी चीज याद रखते थे, तो ये एक बहुत अच्छा इवेंट है मेरे लाइफ का। और इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे हम लोग एक सीरियल कर रहे थे साथ में, बहुत पहले की बात है, तो उस सीरियल में बातों बातों में वो इतने इतना कुछ कह जाते थे, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट ही वाज अ फिलोसोफर, और बहुत कुछ बातें हमने शेयर की उस बीच।